TCPS ग्रोथ ऑफ विट्रियो, ये क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, ठीक है? ये पिक्चर अपने जहन में उतार लो, ओके? ग्रीन विद दिस येलो सर, दैट इज TCPS सर. क्या नाम ग्रुप ऑफ TCPS? हाई सल्फेट फिल्ट्रेट हाई सॉल्ट, ठीक है? ये है स्प्रिंग टेस्ट, दिस इज द स्प्रिंग टेस्ट, ओके? दिस वन इज स्प्रिंग टेस्ट. और कोई भी बॉन्ड अगर तुम्हें ग्रीनिश कलर पास या कुछ भी दिखाता मिले समझ जाओ इन्फेक्शन हो सुडोमोनास एरिजिनोसा. लेकिन ज्यादातर मैंने कौन सी ट्रीटमेंट बताई थी उसमें ब्लू, लेकिन ग्रीन की होती है. इनफैक्ट मैंने तो अभी तक ग्रीन ही देखी है, साइन बुक बोलती है, ठीक है? तो ज्यादातर ग्रीन होती है इन द केस ऑफ सुडो एरिजिनोसा, लेकिन एज पर द बुक आंसर इज बायोसाइलेंट, ठीक है? ये दिस इज राइस वाटरी स्टूल, दिस इज व्हाट इज राइस वाटरी स्टूल. और ये कौन सा रिएक्शन है जिसमें OH AH BH NCl, दिस इज रडार टेस्ट, दिस इज व्हाट इज रडार टेस्ट. OH की एंटीबॉडीज देख रहे थे ना, दिस इज व्हाट इज रडार टेस्ट, ओके? ये कौन से स्पॉट्स हैं? दीज आर द लो स्पॉट्स ऑफ टाइफाइड फीवर, दीज आर द लो स्पॉट्स ऑफ टाइफाइड फीवर. किस तरह का पैटर्न होता है फीवर का? स्टेप लेटर पैटर्न, ओके? This is Wilson and Blair, jet lag colonies of Salmonella typhi. Okay, this is what is Wilson and Blair, the jet lag colonies of Salmonella typhi. Obviously, वो ऐसे तो नहीं देगा, इसके साथ कुछ ना कुछ hint भी देगा. Okay, they can't ask like this, like what is this? Okay, क्योंकि 10 lag colonies होती हैं. तो obviously, red fellow will give a history that what is like it is a of Salmonella typhi, which type of media, what type of colonies they got. So that will be given out. इतना डरो मत कि मतलब ये आ गया तो हमें याद रखना है विजन पे, ऐसा नहीं. They will give you a particular history in an era. ये चीज होती है स्वामी. स्वामी की बात कर रहे थे ना, ये स्वामी स्वामी. This is what is स्वामी is. This particular thing मैंने बताया था कि जहाँ पे भी recordedness की बात आ जाए, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? Clebsiella, ठीक है? इसके कैप्सूल की वजह से recordedness आती है और देखो required colonies हैं. और किस पर्टिकुलर कलर की कॉलोनीज है? दीज आर पिंक कलर कॉलोनीज. तो इसका मतलब क्या है? ये लैक्टोज फर्मेंटर. और कौन होता है लैक्टोज फर्मेंटर? ईकोलाई और शिगेला सुगेला, ठीक है? बिसाइड्स दिस यू रिमेंबर दिस रिएक्शन. ये रिएक्शन जो है मैंने नहीं बताया, बट दिस रिएक्शन इज अ कलर चेंज ऑफ ग्रीन टू ब्लू, ओके? ये कलर चेंज हो रहा है ना इसमें, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ग्रीन टू ब्लू. This particular test is citrate test. और citrate test किसमें positive था अगर तुम याद हो? In the reaction I have told you minus minus plus plus, that is Klebsiella. तो Klebsiella ये test देता है और color change किससे किसमें होता है? Green to blue है. तो ये भी याद रखना है. Besides this, you remember this particular one. Okay, urease test. और urease test का mnemonic क्या था? And which is the most strongest urease positive? H pylori, ठीक है? H pylori. And what is the color change from yellow to pink? ठीक है? उसके अलावा अगर कोई तुम्हें इस तरह की पिक्चर दे दे एग्जाम में और पूछे कि क्या है, तो इसके बारे में तो कुछ नहीं बता सकते, इतना जरूर बता सकते कि क्या है ये? Gram negative bacillus. ओके, Gram negative bacteria है, इतना ही कमेंट कर सकते हो. ओके, अगर वो कुछ और हिंट दे तो जब उसके बारे में बात करेंगे. देन ये है आमडेलो. ओके, दिस पर्टिकुलर वन इज आमडेलो एंड इट इज हैविंग हाउ मेनी बैंड्स? 9 बैंडेड. 9 बैंडेड आमडेलो. ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लैक्टोज फर्मेंटर्स एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स. देखो ये इसने पिंक कर दिया और नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स ने कोई कलर चेंज नहीं किया, ठीक है? और मैंने बताया था तीन नाम याद रखने हैं, ईकोलाई, क्लेब्सिला, शिगेला सोनी. शिगेला सोनी इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ व्हाट? डिसेंट्री इन द वर्ल्ड, बैसिलस डिसेंट्री, ठीक है? उसके अलावा ये है सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर मीडिया, ये है एल्चे मीडिया. ओके, एक बॉटल जिसमें क्या ग्रीनिश स्लैंट, दैट इज अ टिपिकल फीचर ऑफ एल्चे व्हिच इज देयर. और इसके ऊपर कैसी कॉलोनीज आती है? Okay. अब
This particular one is the picture of Mycetoma. Okay, यहाँ पे इसका कोई लिंक मैंने बताया नहीं तुम्हें क्योंकि वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं, बट रिमेम्बर जहां हमने एक्टिनोमाइसिस और नोगार्डिया पढ़ा है ना, वो ये भी करता है क्या, एक्टिनोमाइसिटोमा। ठीक है, तो माइसिटोमा बेसिकली इज अ फंगल डिजीज। ठीक है, बट सम ऑफ द बैक्टीरिया दे ऑल्सो डू इट, एंड विच ऑफ द बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसिस भी करता है और नोगार्डिया भी करता है, क्या, एक्टिनोमाइसिटोमा। I will tell you in the mycology, this particular thing. उसके अलावा ये है हमारा ZS. ठीक है, background देखो blue और उसके against this particular red color acid mass vessel. This is typical ZS stain. Single lenses stain और ये सब क्या है? This is the pus cell. Okay, this is what? This is the pus cell. Right? ये जाल जो है ये क्या दिखाता है, दिस इज नोकार्डिया। ओके, दिस पर्टिकुलर ब्रांचिंग गोज विद ब्रांचिंग वन एंड इट इज पिंकिश इन कलर, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज एसिड फास्ट एंड दिस इज ब्रांचिंग। ओके, तो अगर कोई ऐसी पिक्चर दे दे और एसिड फास्टनेस की बात करे, एक जगह तुम फंस जाओगे, कहां पे, एक्टिनोमाइसिस इजराइली में, क्योंकि वो भी ऐसा ही दिखता है और वो भी एसिड फास्ट है। ठीक है, तो कैसे पहचानोगे, हिस्ट्री, उसमें कैसी हिस्ट्री होगी, आईसीडी यूजर, ये पीआईडी बेल्गियन इंफ्लेमेटरी डिजीज, और यहां पे मैं तुम्हें बता ही चुका हूं उसको लंग की इन्वॉल्वमेंट होगी बिकॉज़ नोकार्डिया कॉज व्हाट, लंग। ठीक है, देन दिस वाज दैट इमेंस फर्मेंटेशन और स्टॉमी फर्मेंटेशन। ठीक है, याद है ना, सीनियर एनटीआर स्टॉमी फर्मेंटेशन, दिस इज स्टॉमी फर्मेंटेशन, इमेंस फर्मेंटेशन। ठीक है, this particular thing is terminal and ground spore, aur isi ka dusra naam kya hai, ground stick appearance of Gaussian retinae. Okay, yes or no, spore banta hai isme, bulging spore, this is that bulging spore. Okay, now this is that target hemolysis or double zone of hemolysis, isme ki inner zone kiski wajah se tha, theta, and outer zone is because of alpha. Very good. Okay, aur ye hai wo RCM media, this is RCM, Robertson Cook Meat Media, जिसमें अगर meat pieces black हो गई तो bronchiolitis, और अगर pink हो गई तो petrolitis, this is RCM. Okay, इसके लिए होता RCM, anaerobes के लिए, this is for anaerobes. ये है inverted fir tree appearance. Okay, this particular thing is inverted fir tree appearance, seen in bacillus and bacillus. What is the name of it? This bamboo. Okay, this bamboo, उसमें inverted fir tree appearance मिलता है, और ये मैं तुम्हें पहले बता ही चुका हूँ, brick shape, brick shape, and और ये किस कलर की है, देखो, violet, purple to violet. So this is a gram positive bacillus which is having a brick shape, and the history is being given of the gas handling. Okay, so this is Clostridium perfringens. Okay, Clostridium perfringens. उसके अलावा ये देखो, ये क्वेश्चन आया था तुम्हें FMG में, this particular thing, this appearance is known as what, boxcar appearance. Okay, और ये किसका फीचर है, bacillus entrances. Okay, bacillus entrances ऐसा दिखता है ग्राम स्टेट में, लगते ना बैंबू जैसा, so this is a bamboo stick appearance. Okay, ग्राम स्टेट में बताया था ना मैंने क्या निमोनिक था, this bamboo, bamboo stick appearance, this is that bamboo. और सी ये जो बीच में जगह छुटी हुई है, ये क्या है, this is a spore. और ये कैसा स्पोर है, रेक्टेंगुलर स्पोर, नॉट बल्जिंग, तो इसमें कैसे स्पोर बने, नॉन बल्जिंग स्पोर। ओके, इट इज हैविंग व्हाट, नॉन बल्जिंग स्पोर। अब इस टेस्ट की हमने कल बात करी थी और इसका नाम है एलिक जेल पर्सिपिटेशन टेस्ट। एलिक जेल पर्सिपिटेशन टेस्ट किसमें आया था, क्लोराइनी बैक्टीरिया टिप्टीरी में। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम एक स्ट्रिप लेते हैं, वी टेक अ स्ट्रिप, और उस स्ट्रिप के अंदर क्या है, एंटीटॉक्सिन। ठीक है, और फिर हम तीन लाइन क्रॉस करते हैं, वी पुट थ्री लाइंस, एक नॉन टॉक्सिजेनिक कॉन्जुगेटेड डिप्टीरी की, एक नॉन टॉक्सिजेनिक। मैंने कल बोला था ना एक स्टेटमेंट, एवरी सीडी इज नॉट पैथोजेनिक, इट इज मेड पैथोजेनिक बाय व्हाट, बीटा पास टॉक्सिन। ठीक है, तो नॉन टॉक्सिजेनिक भी होते हैं, टॉक्सिन तो होते हैं। ठीक है, तो उनकी तीन स्ट्रीम वाली, एक अननोन है पेशेंट का आइसोलेट जो हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस
टॉक्सिसिटी क्रिटेरिया ये वाला क्या प्रोड्यूस करेगा टॉक्सिन यस और नो इट विल प्रोड्यूस टॉक्सिन और इस स्ट्रिप में क्या है एंटी टॉक्सिन यस और नो राइट ये उस किसी नॉन टॉक्सिजेनिक डिप्टीरिया की स्ट्रेन है तो इधर टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगी ना और इसके अंदर क्या है एंटीटॉक्सिन इस पर्टिकुलर स्ट्रिप के अंदर एंटीटॉक्सिन है ना ये ऊपर लिखा हुआ है फिल्टर पेपर स्ट्रिप पे डिप्टीरिया एंटीटॉक्सिन तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे लाइंस और इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं पर्सिपिटेंट लाइन ठीक है देखो दोनों ने मिलकर लाइन बनाई इधर भी और इधर भी तो इसका मतलब इसके टॉक्सिन प्रोड्यूस किया उसको न्यूट्रलाइज किसने किया एंटीटॉक्सिन ने और क्या बनाई लाइन ठीक है अब पेशेंट का आइसोलेट देखो वो भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है लाइन इसका मतलब क्या पेशेंट ने टॉक्सिन प्रोड्यूस किया उसने भी लाइन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसने भी मतलब उसने टॉक्सिन प्रोड्यूस किया जैसे नो और इस दोनों मिले ये इससे मिला अब देखो लास्ट वाला जिसने टॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस किया उसने कोई लाइन नहीं बनाई ठीक है दिस इज टर्म्ड एज एलिक जेल पर्सिपिटेशन टेस्ट ओके दिस इज टर्म्ड एज व्हाट एलिक जेल पर्सिपिटेशन टेस्ट ये बताता है अगर पर्सिपिटेशन लाइन आई तो टॉक्सिन प्रोड्यूस हुआ है अब बताओ पेशेंट ने टॉक्सिन प्रोड्यूस किया या नहीं किया है ठीक है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में किया दिस इज द चाइनीज लेटर राइटर और यूनिफॉर्म अरेंजमेंट ऑफ एल्बर्ट सीन दिस इज द एल्बर्ट सीन एंड दिस इज चाइनीज लेटर राइटर और जो ये सब दिख रहा है दिस इज द ग्रैन्यूल्स मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स पॉलिटिक ग्रैन्यूल्स बेस ऑनस ग्रैन्यूल्स और क्या नाम है इसका पॉलीमेटाफोसफेट ग्रैन्यूल्स ठीक है दिस इज चाइनीज लेटर राइटर ये है लॉफ्लर सीरम फ्लो ओके और लॉफ्लर सीरम फ्लो हम किसके लिए यूज करते हैं मतलब ग्वानी मेटल प्रतिक्रिया 6 से 8 घंटे में कौन यूज आ जाती है ठीक है नाउ सी दिस पर्टिकुलर वन सी द हिस्ट्री फर्स्ट अ 25 ईयर ओल्ड हेटरोसेक्सुअल मेल फ्रॉम चंडीगढ़ केम विद अ हिस्ट्री ऑफ डिस्यूरिया एंड नोटेड सम पस लाइक ड्रेनेज At the top of his fantasy is a history of being sexually active with 5-6 partners. So obviously it is going towards STD, gonorrhea. Okay? So this particular thing is gonorrhea. Okay? Like this you have to find. Then, this particular one is important. This was asked question. Agar kis tarah ki picture tumhe dikhe, okay? What you are getting? The things in pairs. And pairs means diplocopy. Okay? और कैसी अपीयरेंस लैंसियोलेट इज टिपिकल ऑफ न्यूमोकोकस ओके इट इज टिपिकल ऑफ न्यूमोकोकस और ऑब्वियसली इसके साथ को हिस्ट्री भी देगा देखो हिस्ट्री से जितनी भी प्रोडक्टिव कप कंसोलिडेशन ओके और जब आपने स्पूटम स्मीयर की ग्राम सीलिंग गई तो ये दिखा तो ग्राम सीलिंग में ऐसा दिखेगा तो ग्राम मतलब प्रॉपर्टी बनाया इसने लेकिन कलर कौन सा आना चाहिए था purple to violet because it is what gram positive होता है ठीक है तो ये picture ध्यान में कर लो ये question आएगा this is typical of what this is typical of pneumococcus ओके और pneumococcus का हमने कल ही पढ़ा था bio what is bio bio मतलब bio bio solubility inorganic fermentation and absorption sensibility ठीक है कल हमने एक test का नाम पढ़ा था CAM test उस कैम टेस्ट को दूसरी जगह से कैसे करते हैं ऐसे ठीक है दिस इज द अदर वे अदर वर्जन ऑफ कैम टेस्ट क्रिस्पी एटकेस मच बेटर से जो बी वाला ये जो बी वाला है ना ये कौन सा बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनस ओके और जो ए वाला है ये कौन सा बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिया कैसे पता मुझे क्योंकि बीच में क्या है स्टैप ओरियस ठीक है और इस स्टैप ओरियस के साथ किसने इंक्रीज एनहांसमेंट दिखाई एग्लेक्टिया ने जबकि पायोजीन्स में कोई एनहांसमेंट नहीं दिखाई और वही मैंने बोला था एनहांसमेंट ऑफ बीटा हेमोलिसिस सिस्टम ऑफ दिस व्हाट कैम टेस्ट पॉजिटिव ठीक है और तुमने ये पूछा था कि पायोजीन्स क्यों मैंने पूछा था पायोजीन्स क्यों नहीं देता मैंने क्या बोला था उसकी मर्जी ठीक है तो पायोजीन्स जो है नहीं देता जबकि एग्लेक्टिया देता है और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं एरो जैसा तो दिस इज अदर वर्जन ऑफ कैम टेस्ट एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैम क्रिस्टी एटकिंस मल्च प्रोडक्शन ओके क्रिस्टी एटकिंस मल्च प्रोडक्शन एनीथिंग व्हिच इज गिवन अप इन चेन्स चेन्स में होगा तो स्ट्रेप्टोकोकस ओके अगर चेन्स में होगा तो
स्ट्रेप्टोकोकस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं मिला सकते क्या है क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस दे आर इन चेंज. उसके अलावा अगर कहीं पे नोवामाइसिन एंटीबायोटिक की बात होगी तो वहां पे क्या हो रहा है डिफरेंस बिटवीन एपिडर्मिस एंड सेप्टोक्रिटिकस. अब देखो अगर यहाँ पे जोन ऑफ इन्फ्लेमेशन आया तो मतलब इस साइड कौन सी ग्रोथ है एपिडर्मिस और इस साइड पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए था गलत दिखाया इसमें तो ये कौन सी ग्रोथ है सेप्टोक्रिटिकस. ठीक है तो दिस इज रेसिस्टेंट इन दिस एंड दिस इज सेंसिटिव इन दिस. ये मतलब होता है किर्बीवायर मेथड का. तो बोला था ना किर्बीवायर मेथड कि आप एंटीबायोटिक लगाओगे और जोन ऑफ इन्फ्लेमेशन आएगा अगर आया तो सेंसिटिव नहीं आया तो रेसिस्टेंट. ओके देन दिस इज द गोल्डन येलो पिगमेंट किड कॉलोनीज ऑफ स्टैग ऑरिस. ठीक है स्टैग ऑरिस की ऐसी कॉलोनीज होती है इम्प्रिंट हटा के ऊपर. दिस इज द ये देखो ये बबल्स. बबल्स किस टेस्ट में मिलते हैं कैटलेस टेस्ट. ओके कैटलेस टेस्ट में बबल्स है ना कल तो दिस इज द कैटलेस टेस्ट. और अगर कोई कहे कि क्वाइगुलेस में क्या होता है क्वाइगुलेस में ये होता है दिस इज द स्लाइड क्वाइगुलेस टेस्ट. और स्लाइड क्वाइगुलेस टेस्ट तो बताओ बाउंड के लिए था या फ्री फॉर्म के लिए. बाउंड के लिए फ्री क्या मिल रही थी ट्यूब. ठीक है और वो ट्यूब कैसी है ये दिस इज द ट्यूब क्वाइगुलेस टेस्ट. This is the tube coagulase test. अब ये देखो, इसको बोलते हैं beta hemolysis. हम बात कर रहे थे beta alpha. अगर देखो तो complete clearing करी है ना उसने, complete clearing. तो this is known as beta hemolysis. अगर यही आधी अधूरी रह जाती और इसने greenish होता तो alpha. और अगर कुछ भी नहीं होता तो gamma. Okay. और ये है grape-like clusters. इतनी है तुम्हारी पिक्चर्स ये मेरे बुक है सब ले लो. ठीक है सो दीज आर द वेरियस फोटोज व्हिच यू नीड टू रिमेंबर अप टिल अभी तक इतना. ठीक है सो दीज आर द पेट्रोलॉजी इंपॉर्टेंट इमेजेस व्हिच यू नीड टू फोकस अपॉन. आप फटाफट बताओ ये क्या है ये क्या वेरी गुड. ओके ये क्या ये कल्चर प्लेट है ये है एमएचए की प्लेट.
एमएचए भी हम क्या करते हैं, एएसटी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग, ठीक है, उसने उसी को पूरा लीक कर दिया, ठीक है। और कौन से मेथड से करते हैं, किर्बी बॉयर डिस्ट्रीब्यूशन टेस्टिंग, किर्बी बॉयर डिस्ट्रीब्यूशन टेस्टिंग। अब कल हमने ऑक्सीडेज टेस्ट की बात कर ली, ठीक है, ऑक्सीडेज टेस्ट ये होगा, अगर व्हाइट कलर ब्लू में चेंज हो जाए कितनी देर में, 10 सेकंड्स में, दिस इज व्हाट इज ऑक्सीडेज टेस्ट एंड दिस इज दिस, ओके। अब तुम इसका दिमाग लगाओ, बताओ, दो मिनट में बताना है तुम्हें, ऑक्सीडेज टेस्ट कैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच बैक्टीरियम एक्सेप्ट वन, बताओ। गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, क्यों, क्योंकि इकोलाई कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, एंटीरोबैक्टीरिया, क्या बोला था मैंने, ऑक्सीडेज नेगेटिव, बाकी सारे हैं, ये नहीं है, ठीक है, इकोलाई इज ऑक्सीडेज नेगेटिव, इस तरह से क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है। अच्छा ये भी देख लो, दिस इज हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा ग्राम नेगेटिव है पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव। और ये जो मीडिया है, दिस पर्टिकुलर मीडिया, दिस इज BC/E, एंड व्हाट इज, ये बात पे बताऊंगा जब मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए बताऊंगा, दिस इज BC/E, BC/E स्टैंड्स फॉर बफर चाको ई सेक्सपैंट और लिजोनेला का मीडिया है, दिस इज द मीडिया फॉर व्हाट, लिजोनेला। तो इतना तुम्हें इन द इमेजेस अभी तक याद रखना है,